हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकिता मोघा उर्दा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एसएसएल को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 39 है, जिसमें आज हम बात करेंगे मल्टीपल कॉलम्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो कोड है, कोड में हमने एक डिव यहाँ पर क्रिएट किया है। इस डिव को हमने क्लास दिया है न्यूज़पेपर, और यहाँ पर एक डमी हमने डेटा ऐड किया हुआ है और डिव को क्लोज किया हुआ है। इसका आउटपुट आपको कुछ ऐसे दिखेगा इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये डेटा है, अब मैं जो प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टीज़ में आता क्या क्या है, तो बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ में पढ़ने वाले हैं कॉलम काउंट, कॉलम गैप। कॉलम काउंट और कॉलम गैप के बारे में अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि सभी कॉलम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो इन दो को भी साथ ही हम पढ़ लेंगे। तो बेसिकली अगर आप अपने डेटा में चाहते हो, अपने वेब पेज पे चाहते हो, अपनी एप्लीकेशन में, कि आपका कोई भी पैराग्राफ है उसको कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो, देन आप यूज़ कर सकते हैं कॉलम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को बोला जाता है, या मल्टीपल कॉलम प्रॉपर्टीज जिसको बोला जाता है सीएसएस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ को तीन कॉलम्स में डिवाइड करना है, चार में डिवाइड करना, तो मैं कर सकता हूँ किसकी हेल्प से, यहाँ पर कॉलम्स प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। तो यहाँ पर डॉट लगा के न्यूज़पेपर को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ स्टैट पे टैग में, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉलम काउंट सेमी कॉलम। अब मैं कितने कॉलम में इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, मैंने बोला तीन कॉलम में इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ मेरे पैराग्राफ को। सेव करे करता हूँ मैं रिफ्रेश, तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन कॉलम में हमारा ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि चार कॉलम में करना, पाँच कॉलम में करना, सेव करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर उतने ही कॉलम में ये ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तीन कॉलम में कर देते हैं रिफ्रेश। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कॉलम गैप। ठीक है, कॉलम गैप में क्या होता है कि ये जो पैराग्राफ्स हैं इन कॉलम्स के जो बिटवीन में जो गैप है, अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, देन मैं यूज़ करूँगा कॉलम गैप प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलम गैप। तो कितना गैप करना चाहता हूँ मैं, मैंने बोला 50 पिक्सल का गैप कर दूँ हर एक कॉलम के बीच में। तो रिफ्रेश करते हैं, आप देखें यहाँ पर हर एक कॉलम के बीच में 50 पिक्सल के यहाँ पर गैप बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कॉलम रूल स्टाइल। कॉलम रूल स्टाइल क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ हर एक कॉलम के बिटवीन में, मिड में, मैं एक वर्टिकल लाइन क्रिएट कर दूँ, तो उसका उसको करने के लिए मुझे कॉलम रूल स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो मैं लिखूँगा कॉलम रूल स्टाइल, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा सिर्फ एक वैल्यू मेंशन करनी है मुझे सॉलिड। ठीक है, सेमी कॉलन लगाया, अब मैं करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर से यहाँ पर एक वर्टिकल एक लाइन यहाँ पर क्रिएट आ जाएगी हर एक कॉलम के बीच में, जो कि हर एक दूसरे कॉलम को सेपरेट करेगी। अगर मैं इस लाइन को, इस वर्टिकल लाइन की अगर विड्थ को इनक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा कॉलम रूल विड्थ प्रॉपर्टी को। यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि मैं चाहता हूँ 25 पिक्सल की मेरी लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो 25 पिक्सल की मैंने विड्थ क्रिएट डाली यहाँ पे, तो क्या होगा हर एक लाइन जो वर्टिकल लाइन क्रिएट हुई है इसकी विड्थ यहाँ पर 25 पिक्सल हो जाएगी इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लाइन है इसका मैं कलर भी सेट कर दूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉलम रूल कलर, यहाँ पर मैं कोई भी कलर ऐड कर सकता हूँ, मैंने किया ब्लू, सेमी कॉलन दिया, सेव किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर क्या होगा इन वर्टिकल लाइन का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी कॉलम रूल कलर। ठीक है, अब आपने देखा कि मैं इन तीन अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज़ करके वर्टिकल लाइन क्रिएट कर पा रहा हूँ। अब मैं अगर मैं शॉर्ट हैंड सिंगल में अगर मैं एक प्रॉपर्टी के थ्रू करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कॉलम रूल। लिखना है आपको, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे इसकी जो लाइन है इसकी विड्थ, मैं चाहिए कि 5 पिक्सल की मुझे सॉलिड, मुझे ब्लैक कलर की या मुझे रेड कलर की यहाँ पर लाइन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सेव किया और किया रिफ्रेश, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉलम के बिटवीन में जो लाइन क्रिएट हुई है 5 पिक्सल की यहाँ पर रेड कलर की यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। या तो आप इन तीन अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एक सिंगल शॉर्ट हैंड जो जिस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इसका यूज़ करके आप यहाँ पर वर्टिकल लाइन क्रिएट कर सकते हैं। सेव करते हैं रिफ्रेश इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कॉलम काउंट, हम कर चुके हैं कॉलम गैप कर चुके हैं, कॉलम रूल स्टाइल कर चुके हैं, कॉलम रूल विड्थ, कॉलम रूल कलर, कॉलम विड्थ
और स्पैन हमारा बचा हुआ है और कोलम रूल हम शॉर्ट हैंड पढ़ चुके हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस तरह आपने देखा यहाँ पर अभी कि मैं कोलम काउंट प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं जितना भी यहाँ पर इंटीजर में वैल्यू डाल रहा हूँ उसी के बेस पर मेरा यहाँ पर जो कॉलम है वो डिवाइड होके मेरा पैराग्राफ जो है डिवाइड होके कॉलम में बन जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर, अब मुझे ये नहीं पता कि कितने पिक्सल का कॉलम बना हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है, मैं इन सबको पहले यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अगर मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ को 50 पिक्सल के हर एक कॉलम में डिवाइड कर दो, अगर मैं यूज़ करता हूँ कॉलम काउंट प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर मुझे 5, 6, 7 मैं इंटीजर नंबर डाल सकता हूँ और वो मुझे पता नहीं लगेगा कि हर एक कॉलम उसमें कितने पिक्सल का है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलम विड्थ, कि आप विड्थ के थ्रू भी अपने पैराग्राफ को डिवाइड कर सकते हो कॉलम्स में। तो मैंने डाला कॉलम विड्थ 50 पिक्सल, कि मतलब मेरा जो ये डेटा है इसको कॉलम में डिवाइड करो लेकिन 50 पिक्सल के थ्रू करो, यहाँ पे 50 पिक्सल के थ्रू करो। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, अब मैंने किया रिफ्रेश, तो मेरा हर एक कॉलम जो बनाया वो 50 पिक्सल का मेरा कॉलम बन के तैयार हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल का नहीं 100 पिक्सल का एक कॉलम बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं विड्थ डिफाइन करके मैं अपने पैराग्राफ को कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर आप यूज़ करें कॉलम काउंट तो उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने 3 डाला तो जो 3 पैराग्राफ बने, कॉलम बने हैं वो कितने कितने पिक्सल के हैं। अगर आपको अपने प्रोग्राम में कहीं पे नीड है पिक्सल के वाइज, पिक्सल के बेस पर कॉलम बनाना, तो आप कॉलम विड्थ की हेल्प से यहाँ पर आप जितने पिक्सल का कॉलम आप क्रिएट करना चाहते हो बन के तैयार हो जाएगा। जैसे 150 पिक्सल मैंने ऐड किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर 150 पिक्सल के मतलब 3 कॉलम बन रहे हैं। तो हमें पता लगा कि एक कॉलम अगर हम 150 पिक्सल डालेंगे तो 3 कॉलम बनेंगे। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कॉलम हमने लिखा काउंट, अगर यहाँ डालते हैं 3, अगर 3 ही बने तो ये पक्का ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो देखो 3 ही कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पर जो कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी है, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है अभी हमारी कॉलम स्पैन। सपोज करो मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपने पैराग्राफ में इन सभी कॉलम को एक हेडिंग देना, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोग्राम में गया, मैं यहाँ पर मैंने इन सब के ऊपर मैंने H2 में एक हेडिंग डाल दी इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर लिख दिया द एजुकेशन अकेडमी। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश, बट यहाँ पे हेडिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये तो पहले कॉलम में चला गया, ये जो हेडिंग है ये तो पहले कॉलम में चली गई, मुझे तो इनको हेडिंग बनाना है। अब इनको, इसको मैं हेडिंग बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इस H2 पर मैं लिखूँगा H2, और इस H2 पर मैं कॉल करूँगा अपनी प्रॉपर्टी CSS की कॉलम स्पैन, और यहाँ पे ऐड करूँगा मैं ऑल वैल्यू, करूँगा ऑल। इससे क्या होगा, ये जो मेरी वैल्यू है ये वैल्यू तीनों कॉलम में बट जाएगी। कैसे बटेगी, रिफ्रेश करते हैं इस तरीके से, देखो कि ये जो वैल्यू है तीनों कॉलम के लिए यहाँ पर ये बराबर इक्वल यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी, कि ये जो वैल्यू है तीनों कॉलम के लिए सेम है। तो उसने क्या किया, इसको ऊपर से ही डिवाइड कर दिया। या तो आप इसको ऐसे करो, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पैराग्राफ में ना डाल के डिव के बाहर आपको मेंशन करना पड़ेगा इस तरीके से, फिर आप विदाउट प्रॉपर्टी इसको एज अ हेडिंग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसके अंदर ही लिखना चाहते हैं तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर कॉलम स्पैन ऑल वैल्यू दे के यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को। और आप चाहते हो सेंटर में हो जाए तो आप CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। तो कॉलम जो ये स्पैन होती है, या अगर आप चाहते हैं कोई भी डेटा मेरा तीनों कॉलम के लिए रहे, तो आप कॉलम स्पैन उससे आप टैग पर लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा ये जो आपका डेटा रहेगा ये हर तीनों कॉलम के लिए सेम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यूज़ की जाती है हमारी ये जो मल्टीपल कॉलम CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि पैराग्राफ को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कॉलम में, उसका गैप डिफाइन कर सकते हैं, कलर डिफाइन कर सकते हैं, लाइन का कलर डिफाइन कर सकते हैं, और स्पैन के थ्रू हम हेडिंग भी अच्छी खासी दे सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, इसमें आपने सीखा किस तरीके से CSS के मल्टीपल कॉलम्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।